हेलो एंड नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएम न्यूज़ की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन से ही अपना आधार कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने आधार को बड़ी ही आसानी के साथ अपने फ़ोन से ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एम आधार। एम आधार लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एम आधार की एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसको हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यह एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से खुलती है। यह एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होती है। उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एचएम न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या रीप्रिंट कराना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। या अगर आप अपना आधार कार्ड QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, आपका QR कोड स्कैन हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं आप अपना आधार कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड आधार। यहाँ पर आप तीन प्रकार से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आधार नंबर, वर्चुअल ID और इनरोलमेंट ID। तो हम आधार नंबर से इसको डाउनलोड करेंगे। चलिए हम आधार नंबर डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। चलिए हम अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। चलिए हम उसको फिल करते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा, उसमें एक OTP जाता है, उसको यहाँ पर आपको डालना है। चलिए हम उसको फटाफट से डाउनलोड करते हैं। चलिए हमारा OTP आ चुका है, अब हम इसको यहाँ पे फिल करते हैं। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग लेने के बाद यह ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। आपको यहाँ पर अपना ओपन आधार कार्ड पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले बता दें जब आप उसको ओपन करोगे तो एक PDF फाइल में होता है, उसके लिए आपको एक कोड मांगेगा और कोड किस प्रकार बनाना है यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है। जैसे कि आपका नाम रमेश है तो आपको अपने नाम के 4 डिजिट यानी पहले के 4 अक्षर आपको, वो भी कैपिटल लेटर में, और उसके बाद आप किस सन में पैदा हुए थे वो सन आपको फिल करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनका नाम है रिया, तो इनका पासवर्ड होगा रिया और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1996, तो रिया 1996। बस चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। हमें ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, चलिए हम अपना पासवर्ड डालते हैं। हम अपना नाम डालेंगे। उसके बाद अपनी जन्मतिथि में अपना ईयर डालेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड अब मेरे फ़ोन पर ओपन हो चुका है और हम इसे चाहें तो किसी भी दुकान से जाकर रीप्रिंट कलर करवा सकते हैं और इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। बस इतना सा आपको काम करना होता है और इसके लिए आपसे दुकानदार काफ़ी सारा पैसा ले लेते हैं। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल HM न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी ऐसी कोई काम की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।